करें बद काम। नमस्कार, न्यूज 99 में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए देखते हैं जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे विपक्षी दलों पर कंज कसे और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। भारत माता की जय, मां नर्मदे हर। जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और खजुराहो से ही महा कौशल के सभी साथियों को प्रणाम। ऋषियों, तपस्वियों, वीरांगनाओं, ये धरती को मैं आदर पूर्वक वंदन करता हूँ। ये शब्द भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में विजय संकल्प रैली में अपने उद्बोधन के पहले सभी श्रोताओं को नमस्कार स्वरूप कहे थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, मैं ईमानदारी के लिए लड़ रहा हूँ। आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको सुनने के लिए जनता बेकाब है। जोरदार अभिनंदन के साथ भारत माता की, भारत माता की, मात नर्मदे हर। जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और खजुराहो सहित महाकौशल के सभी साथियों को प्रणाम। ऋषियों, तपस्वियों, वीरांगनाओं की ये धरती को मैं आदर पूर्वक वंदन करता हूं। जबलपुर की धरती से उठ रही ये लहर ललकार बन चुकी है। देश ने 300 सीटों पर अपना जनादेश दे दिया है। आज स्थिति यह है कि 11 अप्रैल से पहले जो कह रहे थे कि इन चुनावों में कोई लहर नहीं है, ये सारे घुटने टेक चुके हैं। ये जनसागर गवाह है कि पूरा देश नए भारत के निर्माण के लिए जुट गया है। मैं जब से मंच पे बैठा हूं, मेरी नजर बाईं तरफ उस रोड पे है। और मैं हैरान हूं कि बिल्कुल कोई कतार खत्म ही नहीं हुई, लोग आ ही रहे हैं, चले आ रहे हैं। और जितनी मात्रा में आ रहे हैं, शायद कई लोग होंगे जो मेरे जाने के बाद भी शायद नहीं पहुंच पाएंगे। भाइयों बहनों, आज के टीवी के जमाने में घर बैठे सब कुछ देखने को मिल जाता है, फिर भी इतनी गर्मी में तपने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आपका ये उत्साह, ये उमंग
नतीजे तय कर देता है भाइयों बहनों। ये वो लोग जो कुछ दिन पहले तक मोदी को गाली देने में कंपटीशन में जुटे थे, ये महामिलावटी लोग, इन्होंने हर एक ने एक स्पेशल ब्रांच खोल के रखी है। वो दुनिया के अलग अलग डिक्शनरी खोजती रहती है और उस डिक्शनरी में से निकालती है कि आज मोदी को कौन सी गाली देंगे, और उनके बीच में स्पर्धा चल रही है कौन किसको ज्यादा गाली दे, कौन मोदी को बड़ी गाली दे, ये इसी में लगे हुए हैं। लगातार आपने सुना होगा हाथ ऊंचा कर करके, एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ करके, मोदी मोदी मोदी। लेकिन देश के विकास के लिए उठी इस लहर को देखकर अब उनका पस्त पड़ गए हैं। जो झूठ और प्रपंच से अपना वजूद बचाने के लिए मैदान में थे, वे अब चुप्पी साध करके बैठे हैं। इस चुप्पी का मतलब है फिर एक बार साथियों, ये चुनाव सामान्य नहीं है। ये सिर्फ इस दल के विजय हो, कौन सांसद बने, कौन प्रधानमंत्री बने, फिर इसका चुनाव नहीं है। ये सुखी समृद्ध सुरक्षित भारत बनाने का चुनाव है। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य क्या हो, इसकी गारंटी लेने का ये चुनाव है। ये दुनिया में भारत का सही स्थान तय करने का चुनाव है। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया में भारत की भूमिका क्या होगी, आने वाले 5 वर्ष में तय करने वाला है। लिहाजा इस चुनाव का नेतृत्व भी वो करोड़ों बेटे बेटी कर रहे हैं जो 21वीं सदी में पहली बार देश की सरकार चुन रहे हैं। ये वो नौजवान है जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। हमारे में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 20वीं सदी का भी प्रभाव है और 21वीं सदी का भी शुरुआत है, लेकिन ये नौजवान ऐसे हैं इनको 20वीं सदी की हवा कभी लगी नहीं है। ये सब 21वीं सदी के तेज तर्रार नौजवान है, और उनके लिए मामला 5 साल का नहीं है, उनके लिए तो पूरी जिंदगी इस 21वीं शताब्दी में बितानी है। और इसलिए उन नौजवानों को तय करना है कि वो
21वीं सदी उसकी मजबूत नींव इस 5 साल में कौन रख पाएगा जिसके भरोसे उनकी 21वीं सदी की पूरी जिंदगी हंसते खेलते बीतने का सौभाग्य प्राप्त हो। और इसलिए जो पहली बार लोकसभा में वोट करने वाले हैं, ऐसे सभी बेटे बेटियों को, उनको ये जो अवसर मिला है, जिंदगी का नया प्रकरण शुरू हुआ है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आप मुझे बताइए, बीते 5 वर्षों में आपका एक चौकीदार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा कि नहीं उतरा? बीते 5 वर्षों में विश्व शक्ति की तरफ भारत ने मजबूत कदम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आज दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला या नहीं बदला? भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, ये किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? मुझे अपेक्षा नहीं थी कि जबलपुर के लोग मेरी परीक्षा में नापास हो जाएंगे। आप सब नापास हो गए। आपने कह दिया सब मोदी ने किया। गलत, आपका सवाल गलत, जवाब गलत। किसने किया? अरे आप तो अभी भी छोड़ देंगे अपनी बात को। ये मोदी ने नहीं, आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है। ये आप हैं जिन्होंने देश को यहां पहुंचाया है, मोदी ने नहीं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। साथियों, आपने इन 5 वर्षों में मेरे हर फैसले, हर कदम पर भरोसा किया, आपने साथ दिया, तभी कड़े और बड़े फैसले लेने का ये चौकीदार साहस कर पाया। साथियों, याद कीजिए, जब काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कार्रवाई की, तकिए के नीचे छिपा माल, दीवारों में छिपाया गया माल जब बाहर निकलने लगा, तो उन्होंने कैसा कैंपेन चलाया था, जनता को भड़काने का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा था। और उनके चेले चपाटे कुछ 24 घंटे लोगों की बैंकों के बाहर कतार दिखाते थे, बूढ़े बूढ़े लोगों को दिखाते थे, और कोई नामदार भी 4000 रुपये लेने गया था। आपको भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ।
और दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए लोगों ने तय किया था, अब मोदी खत्म, अब मोदी गया। मिठाइयां बांट रहे थे उनको देश के सामान्य मानवी की ताकत का पता तक नहीं था, सारा देश मोदी के साथ खड़ा हो गया। और मैंने पब्लिक भी कहा था कि मेरा ये निर्णय आसान नहीं है, तकलीफ होगी, लेकिन देश के लिए तकलीफ झेलनी है और मेरे देश के करीब करीब मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें, ये तकलीफ स्वीकार करने के लिए मेरा साथ दिया था भाइयों। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को नोटबंदी पर इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, अभी भी रो रहे हैं, आंसू सूख नहीं रहे हैं। भाइयों बहनों, देश को इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं इसका उदाहरण आपको यही मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में 15 वर्षों के बाद सरकार बनी, वो भी इधर उधर से मदद लेकर के, जनता ने तो उनको दी नहीं है। इन्होंने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही थी, यह भूल जाओगे नहीं चलेगा, कही थी, नौजवानों को भत्ता देने की बात कही थी, चुनाव में वादा किया था। ऐसी भांति भांति की चीजें उनके पटारे से निकाली थी कि नहीं निकाली थी? हुआ क्या? कुछ मिला क्या? वादा निभाया क्या? ये तो कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन 2.5 महीने के भीतर 3 काम जरूर किए। पहला, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट कर दी, डकैतों और अपहरणकर्ताओं को नई ऊर्जा मिल गई। दूसरा काम किया, ट्रांसपोर्ट उद्योग खूब फला फूला, कर्मचारियों को परेशान करने का काम जोरों पर है, नीलामी हो रही है, नीलामी, ये पोस्ट चाहिए उसको मिलो, ये पोस्ट चाहिए उसको मिलो, ये जिला चाहिए उसको मिलो, ऑक्शन चल रहा है। और तीसरा बड़ा काम जो मध्य प्रदेश में देखा वो है नोटों से भरे, थैले के थैले, बक्से के बक्से कांग्रेसी जमात के पास से मिल रहे हैं। भैया साथियों, कांग्रेस ने रिकॉर्ड 6 महीने के भीतर ही तुगलक रोड चुनाव घोटाला कर दिया है। भाइयों बहनों, ये ट्रेलर है, अभी तो 5 साल बाकी है और ये तो मध्य प्रदेश है, उनकी निगाहें तो पूरे हिंदुस्तान पर है। अकेले मध्य प्रदेश में 6 महीने में इतनी लूट कर सकते हैं तो 5 साल में पूरे मध्य प्रदेश में कितनी कर सकते हैं, जरा हिसाब लगाओ। और अगर अकेले मध्य प्रदेश में कर सकते हैं और मौका मिल गया हिंदुस्तान को लूटने का, तो कुछ बचेगा क्या?
कुछ बचेगा क्या? कितना ही मोदी विरोधी होगा लेकिन वो ऐसी गलती करेगा क्या? इनके हाथ में कुछ देगा क्या? और ये लूट कैसे किए हैं? किसी अमीर के जेब से नहीं मारा है, किसी धनवान से रिश्वत नहीं ली है। इन्होंने जो किया है ना, मेरी माताएं बहने, मध्य प्रदेश की माताएं बहने, इनको जीवन भर कभी वोट मत देना, जीवन भर। ये चुनाव ने जीवन भर उन्होंने क्या पैसा किया है? जो पैसे गरीबों की भलाई के लिए दिल्ली से भेजे गए, ये चौकीदार ने भेजे, वो पैसे क्या थे? जो हमारे आदिवासी माताएं बहने हैं, गरीब माताएं बहने हैं, जो प्रसूता बहने हैं, जिनके गर्भ में बच्चा है, उन प्रसूता माता बहनों को अगर ये 9 महीने सही खाना मिल जाए, कितनी ही गरीबी क्यों ना हो लेकिन ये 9 महीने संभाल ले, तो उसकी गोद से स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। वो मां भी प्रसूति में मुसीबत नहीं आएगी, उसकी जिंदगी बच जाएगी, बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। इसलिए भारत सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करके देश में राज्यों को इन गरीब प्रसूता बहनों के लिए पैसे भेजती है। दूसरे पैसे हैं जो ऐसे बच्चे हैं गरीब परिवार के, जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है, ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल बच्चा आज मरेगा कल मरेगा ही हालत में होता है, ऐसे बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, उनके पोषण के लिए पैसे इस चौकीदार ने भेजे। मुझे बताइए भाइयों, ये पैसा पवित्र है कि नहीं? जरा ऐसे नहीं, पूरे दिल से बताइए, ये पवित्र पैसा है कि नहीं है? गरीब माताओं बहनों का हक का पैसा है कि नहीं है? अरे प्रसूता माता अगर बस में जा रही है और कोई बूढ़ी मां और बूढ़ा कोई चाचा बस में बैठा है, वो भी खड़ा हो जाता है और उस प्रसूता मां को कहता है, बेटी तुम्हारा शरीर में बच्चा है, तुम खड़े खड़े मत चलो, ये मेरी सब जगह है, तुम बैठ जाओ, हम बूढ़े हैं लेकिन खड़े रह जाएंगे। ये हमारे देश का स्वभाव है। घर में 2 लोग बीमार होंगे, उनको दवाई की जरूरत होगी और खान पान की जरूरत होगी, तो घर में सब कहते नहीं भाई, हम जरा दवाई 6 महीने के बाद लेंगे, पहले हमारी बहू को बच्चा होने वाला है, अभी तो खाना उसके लिए ज्यादा लगेगा, उसको घी चाहिए, गुड़ चाहिए, उसको मिलना चाहिए। गरीब मां भी अपनी बहू के लिए इतनी चिंता करती है। और ये मध्य प्रदेश में जिनके हाथ में आपने सत्ता दी, इन्होंने ये पैसे लूट लिए हैं भाइयों। ये जो पैसे निकले हैं ना, वो उन गरीब मां बहनों के, उन बच्चों के पैसे हैं जो इन्होंने खाया है। और ये मीडिया वाले मुझे पूछते हैं कि कांग्रेस वालों के यहां रेड क्यों की? जहां से माल मिलेगा वहीं रेड करेंगे ना, जो चोरी करते हैं उन्हीं के यहां तो पुलिस जाएगी भाई, ईमानदार के यहां जाएगी क्या? भाइयों बहनों, ये ट्रेलर है, मैंने बताया अभी 6 महीने में ऐसा ट्रेलर आया है, 5 साल में मध्य प्रदेश का क्या होगा भाइयों? मुझे तो कल्पना करते ही मेरे रुएं कांप जाते हैं। भाइयों बहनों, यही वो नोट तंत्र है जिसका मोह कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को है।
यही लोकतंत्र छिन्न भिन्न करने का काम इस चौकीदार ने किया और इसलिए वो रोते फिरते हैं, मोदी को गाली देते हैं, मोदी से दुश्मनी का व्यवहार करते हैं। साथियों, नोटबंदी के असर से सामान्य मानवीय के लिए घरों की कीमत कम हो गई, लेकिन कांग्रेस के करप्शन का पैसा जिन्होंने सेक्टर में लगाया था वो बर्बाद हो गए। साथियों, इसी तरह नोटबंदी के बाद देश में जो 3 लाख से अधिक फर्जी कंपनियां, काला धन पैदा करने वाली फैक्ट्रियां जो बंद हुई, वो भी कांग्रेस को बहुत बड़ी पीड़ा दे रही है। आप जान करके हैरान होंगे, मोदी ने 3 लाख कंपनियों को पकड़ के ताले मारे हैं जिसमें ऐसा कारोबार चलता था, और न कोई मोदी के पुतले जलाता है, न कोई मोदी के खिलाफ बयान करता है। वरना एक फैक्ट्री बंद हो जाए, एक दुकान बंद हो जाए तो मोदी के पुतले जलेंगे। ये 3 लाख ताले मार दिए, कोई नहीं बोल रहा है। कल्पना कीजिए कितना बेईमानी पड़ी होगी वहां। अब मुझे बताइए, ये 3 लाख बेईमानी करने वाली कंपनियों को ताले लग गए तो 3 लाख कंपनियों में 5-5 लोग जोड़ दो तो 15 लाख तो होंगे। ये 15 लाख तो मोदी के दुश्मन बन गए कि नहीं बन गए, जरा जवाब तो दो यार। दुश्मन बन गए कि नहीं बन गए? वो मोदी को पराजित करने के लिए दुनिया भर की ताकत लगाएंगे नहीं लगाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर मोदी को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? मैं इसीलिए ईमानदार लोगों के पास आया हूं कि आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, मैं ईमानदारी के लिए लड़ रहा हूं। मोदी आपके लिए आया है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आया है, निर्णय आपके हाथ में है। भाई बहनों, एक गोरख धंधा जिनका था उनमें से भी अधिकतर पर हाथ का आशीर्वाद रहा है। कांग्रेस के शुभचिंतकों का पैसा बर्बाद हुआ है, सामने आया है, इसलिए ये चौकीदार को गाली देने में जुटे हैं। वरना मिडिल क्लास की, गरीब की, जिसकी पाई पाई सुरक्षित है, उसने तमाम संघर्ष के बाद भी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ये चौकीदार का साथ दिया है। भाई और बहनों, 2014 के नतीजों के बाद देश में स्वच्छता की अलग जगाने के लिए एक विचार लाल किले से मैंने सामने रखा था। बहन बेटियों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए देश भर में टॉयलेट बनाने के लिए एक सोच रखी थी, आपने इसको जन आंदोलन बना दिया, गली गली चौराहे चौराहे तक पहुंचाया। आप हाथ कीजिए, स्वच्छ भारत अभियान का कांग्रेस के लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया था। मेरी इस सोच को छोटी बताने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं झाड़ू पकड़ता था और सोशल मीडिया में दिन भर मजाक उड़ाने में वो लोग लगे रहते थे। भाई और बहनों, कांग्रेस जमीन से इतनी कटी हुई पार्टी है कि उसको इस काम का कभी देश को क्या लाभ होगा इसकी समझ तक नहीं थी। एक बड़ी वजह थी कि स्वच्छता का दायरा आजादी के 7 दशक तक गांवों में 40% से भी कम था। हाल ही में आपने देखा होगा कि यहां के मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस की सोच को पुख्ता किया है। वो कहते हैं कि मोदी शौचालय का चौकीदार है, यहां के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अगर इनको समझ होती कि शौचालय का महत्व क्या होता है, न ये नामदारों को समझ आता है,
न उनके राग दरबारियों को समझ आता है। भाइयों बहनों, मैं गरीबी में से जिंदगी गुजार करके आया हूं, मैंने जिंदगी को जिया है, मुझे मालूम है हमारी गरीब माता बहने अगर शौच जाना है तो सूरज उगने से पहले अंधेरे में घर से निकलती हैं, दिन भर अगर जाने की जरूरत पड़ गई तो शरीर को कष्ट देती है, जलती है, और शाम के सूरज ढलके अंधकार का इंतजार करती है शौच जाने के लिए। क्या उन माता बहनों की इज्जत के लिए काम नहीं करना चाहिए? और ये मुख्यमंत्री मेरी मजाक उड़ा रहा है? साथियों, इन्होंने कदम कदम पर मेरी सोच को कम बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके विश्वास के कारण ये चौकीदार अपने उसूलों पर अड़ीग है, अपने कर्तव्य पर चल रहा है, दिन रात जितनी हो सके उतनी मेहनत करता हूं। साथियों, कांग्रेस कैसे गरीब से जुड़े हर काम की मजाक उड़ाती है, इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। जब मैंने डिजिटल लेनदेन की बात की थी, भीम ऐप और रुपए कार्ड देश को दिए, तभी ये मेरी सोच पर हंसते थे, अरे मोदी को समझ ही नहीं है कि गांव में बैंक नहीं है, कैसे चलेगा। ये लोग मुझे गालियां देते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और मैंने दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क भारत के पोस्ट ऑफिस को ही बैंकों में बदलने का बीड़ा उठा दिया। बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन बैंक सेवाएं गांव गांव घर तक पहुंचे, ये काम शुरू किया। आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 21वीं सदी के भारत के सबसे सशक्त सिस्टम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो पोस्ट ऑफिस तकनीक के आने से बंद होने के कगार पर थी, डाकियों की नौकरी चली जाएगी ऐसी चर्चा चलती थी, एसएमएस का जमाना, ट्वीट का जमाना, व्हाट्सएप का जमाना, मैं पोस्ट डाकिया क्या करेगा, लोग डरे हुए थे, मोदी ने रास्ता खोज दिया और डाकिये की जिंदगी भी बना दी। भाइयों, उनको तकनीक ने के ही बल पर नए भारत का सशक्त माध्यम बनाने का काम हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ नया करने के लिए नीयत सही होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की नीयत भ्रष्ट है, नेता भ्रम में है और नीति भटकी हुई है, यही है और यही कारण है कि कांग्रेस सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने की बात अनेक वर्षों से अपने घोषणा पत्र में, ढकोसला पत्र में डालती रही, लिखती रही, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई आपके इस सेवक ने। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दे दिया, और वो भी किसी दूसरी का छीने बिना, न दलितों का छीना, न आदिवासियों का छीना, न किसी का छीना, न किसी का छेड़ा, और न देश में कोई तनाव पैदा होने दिया। इसी तरह जीएसटी की बात भी अपने 3 घोषणा पत्र में कांग्रेस ने रखी, लेकिन लागू नहीं कर पाई। देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी जीएसटी को लागू करने का काम, देश को अलग अलग टैक्स के जंजाल से मुक्त करने का काम भी ये चौकीदार की सरकार ने किया है। साथियों, कांग्रेस के झूठे वायदों पर विकास के कार्यों में रोड़े अटकाने की लिस्ट बहुत लंबी है। आज देश के
12 करोड़ किसानों के बैंक खाते में सीधे 75,000 करोड़ रुपए हर वर्ष जमा हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। और नहीं मिल रहा उसका कारण है कि यहां की सरकार किसानों की लिस्ट ही देने को तैयार नहीं है, न उनके बैंक खाते हमें भेजती है न उनके लिस्ट देती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की ये रणनीति रही है कि लोगों को मदद के लिए, विकास के लिए तरसाया जाए, उनको सिर्फ अपने ही परिवार, अपने ही वंश की चिंता होती है। आज आप देखिए, दिल्ली में नामदार है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी संतानों का कैरियर बनाने में कांग्रेस के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। राजस्थान में लोकसभा का चुनाव जो है, हर टाइम पूछो राजस्थान के मुख्यमंत्री कहाँ है तो जोधपुर में बेटे को जिताने में लगे हैं। मध्य प्रदेश में पूछो मुख्यमंत्री कहाँ है तो बोले छिंदवाड़े में बेटे को संभाल रहे हैं। अरे जो अपने बेटों को संभालने में लगे हैं वो आपके बेटों की चिंता कहां से करेंगे भाइयों? साथियों, इनको अपनी संतानों की चिंता है, इनको देश की करोड़ों संतानों की परवाह नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्रवाद को गालियां देते हैं। ये तो देश की शक्ति है, आप सभी साथियों की ताकत है, जिसके कारण आज इनकी जुबान सिल गई है, वरना इनमें तो पाकिस्तान का पैरोकार बनने की भी पूरी होड़ मची थी। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर डोकलाम विवाद, हर बार देश के पक्ष के विरोध में ही ये खड़े दिखे। साथियों, भारत आज पुरानी नीति रीति को बदल रहा है। आपका ये चौकीदार लड़ाई को, आतंकवादियों को घर तक ले गया है, और भारत बार तब उन्हें उनके ही घर में घुस करके मारेगा। और मैं बता दूं, ये जो कुछ भी किया है ना, ये तो ट्रेलर है, ये तो सैंपल है जी। अब देश में जड़ मूल से आतंकवाद को खत्म करके रहना है भाइयों। आप बेटे बताइए, भारत की ये नीति सही है कि नहीं है? हमें आतंकवाद को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नक्सलवाद को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश को बम बंदूक से मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? भाइयों बहनों, अब आप मुझे बताइए, आप चाहते हैं कि सब जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, ये जाना है, सब कहते हैं। मुझे बताइए, आज प्रधानमंत्री की लाइन में एक डजन लोग खड़े हैं, एक डजन, सबने अपने दर्जी को, टेलर को कपड़े सिलाने के लिए दे दिए हैं। कोई 8 सीट लड़ रहा है, 8, फिर भी कहता है कि प्रधानमंत्री के लिए वो सबसे अच्छे हैं। कोई 20 लड़ रहा है, वो भी कहता है प्रधानमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। कोई 40 लड़ रहा है, वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनको बनाए। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने भी प्रधानमंत्री की कतार में लोग हैं, सबके चेहरे याद करो, उसमें से कौन चेहरा है जो आतंकवाद को मिटा सकता है? ये मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो क्या? ना, मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो क्या? ये पत्रकारों को खुश करने के लिए कह रहे हो क्या? ये कांग्रेस वालों की नींद खराब करने के लिए कह रहे हो क्या?
सबका यही विश्वास है जिसके दम पर भाजपा ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। भाई और बहनों, जब देश हिंसा मुक्त होगा तभी सही विकास हो पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो सकता है। आज पहले की तुलना में दोगुनी गति से रोड बन रहे हैं, रेल लाइन बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, यहां भी इस काम को आप अनुभव कर सकते हैं। जबलपुर शहर में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण पूरी निष्ठा से जारी है। जबलपुर एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे और हाईवे के तमाम प्रोजेक्ट्स, पूरे महाकौशल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज हो, घर घर गांव गांव तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था हो, सामान्य मानवीय का जीवन आसान बनाने की हमने ईमानदार कोशिश की है। भाइयों और बहनों, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के संस्कार वाला नया भारत तभी बन पाएगा जब आप कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे और जब आप कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे तो आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा, सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, गर्मी कितनी क्यों न हो, लोगों को वोट देने के लिए बूथ तक ले जाना ये लोकतंत्र के पर्व में हमारी जिम्मेवारी है। पहले मतदान फिर जलपान, ये बात भूलना नहीं है। भाइयों बहनों, आप चाहते हैं देश मजबूत हो, क्या हुआ आपको? आप चाहते हैं देश मजबूत हो, आप चाहते हैं उसके लिए सरकार मजबूत बने, आप चाहते हैं आपका चौकीदार मजबूत हो, तो चौकीदार को मजबूत बनाने के लिए मेरे साथ संकल्प करेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, जो पीछे खड़े हैं वो भी बोलेंगे, दूर दूर तक मुझे लोग दिखाई रहे बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे। आपको बोलना है चौकीदार, क्या बोलना है, क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने, घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं, सारा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे न्यूज़ 24 इंडिया पर जबलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से जुड़ी खास रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 इंडिया के साथ। एक देश सार्वदेश।